दोस्तों यहाँ पर मैं codingle.com साइट में आ गया हूँ और आप यहाँ पर देखेंगे इनका जो कारिकुलम और प्राइजिंग है, इसमें एक कंटेंट स्विचर लगा हुआ है। मतलब यहाँ पर ग्रेड 1 to 3 में अगर आप क्लिक करेंगे तो उनका जो प्राइस लिस्ट है और जो डिटेल है वो यहाँ पर दिखाई देगा। अगर मैं यहाँ पर ग्रेड 4 और 5 पर क्लिक करता हूँ तो सारे जो कॉन्टेंट है इसके रिगार्डिंग ये यहाँ पर स्विच हो जा रहा है, और ग्रेड 6 8 वैसे ही हो रहा है, 9 10 ऐसे हो रहा है। देखिए यहाँ पर मल्टीपल कंटेंट है और ये कंटेंट बहुत ही जल्दी यहाँ पर स्विच हो रहा है, ये सारे कंटेंट यहाँ पर चेंज हो रहा है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे ये हम कैसे हमारे एलिमेंटर में बना सकते हैं। मैं आपके लिए ये एक सैम्पल डेमो बना के रखा हूँ, और मैं यहाँ पर ये जो साइट का डिज़ाइन है मैं इसको रिप्लीकेट करने की कोशिश किया हूँ, और आपको मैं यह दिखाऊंगा कि ये जो सिस्टम है ये एलिमेंटर में कैसे बन सकता है। और दूसरे जो साइट है ये एक रियल स्टेट साइट है, इसमें भी कंटेंट स्विचर है लेकिन इसमें मल्टीपल कंटेंट नहीं है, सिर्फ 2 ही कंटेंट है, फेज 1 और फेज 2। आप देख सकते हैं ये कंटेंट जो है ये स्विच हो रहा है, और यहाँ पर ये जो फ्लोर प्लान का उनका कंटेंट है वो भी यहाँ पर स्विच हम कर सकते हैं। तो इस साइट का जो डिज़ाइन है मैं यहाँ पर इसको भी रेप्लीकेट करने की कोशिश किया हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्लोर प्लान फेज 1 और फेज 2, और ये जो सारे डिज़ाइन हमने क्रिएट किए हैं ये एलिमेंटर और एलिमेंटर के एक फ्री एड ऑन की मदद से किए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी वो टेबल वाला जो स्विच था वो भी मैं यहाँ पर क्रिएट करके रखा हूँ। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये जो कॉन्टेंट स्विचर का फंक्शन है ये हम एलिमेंटर में कैसे बना सकते हैं और इसको कैसे हम कस्टमाइज कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रियो आपको स्वागत करता हूं केयर ऑफ वेब के एक नए वीडियो में। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमारे एलिमेंटर फ्री सीरीज के और प्रो सीरीज के पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप जरूर वो वीडियो देख लीजिए। दोस्तों एलिमेंटर में कॉन्टेंट स्विचर फंक्शन को ऐड करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगा एक एडिशनल प्लगइन का, और वो प्लगइन हम फ्री यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैं प्लगइन पर आ गया और यहाँ पर ऐड न्यू पर क्लिक करूंगा। अभी यहाँ पर इस सर्च बार में हमको लिखना है एलिमेंटर एड ऑन एलिमेंट्स, एलिमेंटर एड ऑन एलिमेंट्स। ओके, तो देखिए यहाँ पर ये जो पहला जो एड ऑन्स यहाँ पर दिख रहा है एलिमेंटर एड ऑन्स एलिमेंट, हमें ये इंस्टॉल करना है क्योंकि मैं ये पहले से इंस्टॉल कर चुका हूँ, इसीलिए ये यहाँ पर एक्टिव दिखा रहा है। आपकी केस में जब आप पहली बार इसको इंस्टॉल करने जाएंगे तो यहाँ पर इंस्टॉल और एक्टिवेट दो ऑप्शन आपको मिल जाएगा, जैसे आप अदर्स प्लगइन को इंस्टॉल करते हैं वैसे आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। ये डेवलप किए हैं WP वाइब्स ने, और आज की तारीख में यहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा इसका एक्टिव इंस्टॉलेशन है, और ये हमारा जो वर्डप्रेस का वर्सन है उसके साथ कॉम्पेटेबल है, और 2 महीने पहले इसको लास्ट अपडेट किया गया है। मतलब ये जो प्लगइन है ये अपडेटेड है और बहुत सारे यूजर्स इसको यूज़ भी कर रहे हैं। तो ये जो प्लगइन है ये आप पहले इंस्टॉल कर लीजिए और इसको एक्टिवेट कर लीजिए। ओके, तो एक्टिवेट होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का एक पेज अपीयर हो जाएगा जहां पर ये जो एड ऑन का जो ऑप्शन है वो यहां पर आपको दिखाई देगा। तो इसको मैं यहां पर स्किप कर देता हूं, तो ऐसा एक पेज आपके सामने अपीयर हो जाएगा। यहाँ पर आप एड ऑन का जो विजिट है या फिर जो एलिमेंट है वो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये सारे जो एलिमेंट्स है वो यहाँ पर चेक इन रहता है। अगर आपको लगता है ये सारे जो एलिमेंट है ये आपको नहीं चाहिए तो आप ये अनचेक कर सकते हैं, सिर्फ आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा तो ये अनचेक हो जाएगा। लेकिन मैं फिलहाल इस वीडियो के लिए ये सारे जो एलिमेंट है इसको मैं चेक करके रखता हूँ और यहाँ पर सेव चेंजेस कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं एक ब्लैंक पेज में आ गया हूँ, और डिज़ाइन शुरू करने से पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा राज यादव जी को जिन्होंने मुझे ये डिज़ाइन सजेस्ट किए हैं, और नम्रता चौरसिया जी को जिन्होंने मुझे ये जो डिज़ाइन है ये सजेस्ट किए हैं। तो अभी हम यहाँ पर एक सिंगल सेक्शन क्रिएट कर लेंगे। तो अभी हम इस लेफ्ट पैनल के एकदम नीचे जाएंगे, तो देखिए नीचे यहाँ पर हमारे पास और एक ऑप्शन ऐड हो गया है, और वो जो ऑप्शन है वो एलिमेंटर एड ऑन एलिमेंट्स का ऑप्शन है। यहाँ पर हमें और कुछ एलिमेंट्स मिल गया है, तो हमें यहाँ से सर्च करना है जो कंटेंट स्विचर एलिमेंट है उस इस तरह के ये दिखता है। तो मैं यहाँ पर कंटेंट स्विचर जो एलिमेंट है इसको मैं यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा। ओके, तो ये है कंटेंट स्विचर का डिफॉल्ट डिजाइन, और यहाँ पर लेफ्ट पैनल में हमारे पास कुछ ऑप्शन है। तो पहला जो ऑप्शन है वो है स्किन, और स्किन में ये डिफॉल्ट स्किन है स्किन 1, और इसके नीचे और 2 स्किन का ऑप्शन है स्किन 2 और स्किन 3, हम बाद में देखेंगे। तो ये जो डिफॉल्ट स्किन है स्किन 1, मैं पहले आपको ये दिखाता हूँ क्योंकि हमारा जो पहला डिज़ाइन है जो ये वाला डिज़ाइन है ये हमें स्किन 1 से ही अचीव होगा। तो स्किन 1 के बाद नीचे है कंटेंट, और कंटेंट में आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 डेमो कंटेंट दिया गया है, एक है प्राइमरी और एक है सेकेंडरी। तो हम यहाँ पर इस कंटेंट को एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहला जो कंटेंट टाइटल है वो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ग्रेड 1 टू 3। ओके, तो ये जो टाइटल हमने यहाँ पर एडिट किए हैं ये टाइटल हमें यहाँ पर दिखाई देगा।
और इसके नीचे है टाइप, टाइप में डिफॉल्ट जो है वो है WYSIWYG, मतलब हमारे ये जो कंटेंट एडिटर होता है इसका ही नाम है ये, तो ये डिफॉल्ट ये कंटेंट एडिटर है। लेकिन यहाँ पर ड्रॉप डाउन में अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सेव सेक्शन, सेव पेज और AE टेम्पलेट, मतलब यहाँ पर एलिमेंटर एड ऑन एलिमेंट्स का जो टेम्पलेट है वो हम यहाँ पर इम्पोर्ट कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो डिफॉल्ट टाइप है, हम इस डिफॉल्ट टाइप में हमारा कॉन्टेंट हम डाल सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप शॉर्ट कोड डालना चाह रहे हैं तो यहाँ पर टेक्स्ट पर स्विच कीजिए और आपका जो शॉर्ट कोड है टेबल प्रेस का हो सकता है, या फिर कुछ स्लाइडर का हो सकता है, थर्ड पार्टी प्लगइन का हो सकता है, या फिर एलिमेंटर टेम्पलेट का भी हो सकता है, कुछ भी शॉर्ट कोड आप चाहे तो यहाँ पर डाल सकते हैं। मैं इस डिजाइन के लिए ये जो सेव सेक्शन है इसको यूज करूंगा, और मैं यहाँ पर कुछ सेक्शन ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हूँ एलिमेंटर की मदद से। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखना है, अगर आप चाह रहे हैं कि कॉन्टेंट स्विचर में आप ये जो सेक्शन है इसको आप यहाँ पर यूज करना चाहेंगे, तो आपको सेक्शन क्रिएट करने के समय पहला जो प्राइमरी सेक्शन है उसके अंदर आपको सारे जो डिजाइन है वो आपको क्रिएट करना है। नहीं तो क्या होगा, अगर आप अलग अलग से डिजाइन बनाएंगे तो वो एक सेक्शन के अंदर नहीं आएगा। मैं आपको थोड़ा बहुत एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पर एक प्राइमरी सेक्शन है, मतलब अगर मैं यहाँ पर फिर से एक सेक्शन क्रिएट करूंगा तो ये हो गया हमारा ये प्राइमरी सेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दो सेक्शन यूज करना है, एक ये हेडर सेक्शन और नीचे एक थ्री कॉलम का जो सेक्शन। तो हमें क्या करना है, हमें इसके अंदर और एक इनर सेक्शन लेना है। तो ये पहला हो गया हमारा प्राइमरी सेक्शन और इसके अंदर ये इनर सेक्शन, और इसके नीचे और एक इनर सेक्शन हमें डाल के रखना है क्योंकि ये जो थ्री कॉलम का डिजाइन है इसके लिए। तो मैं यहाँ पर ये जो कॉलम है मैं इसको डुप्लीकेट करूंगा, तो ये थ्री कॉलम यहाँ पर अपीयर हो गया, जो हम यहाँ पर ये जो सेक्शन है इसको हम क्रिएट कर सकते हैं थ्री कॉलम, ठीक है। और ऊपर का जो ये हेडिंग सेक्शन है इसमें देखिए हमने दो कॉलम यूज किया है, पहला कॉलम में ये जो एलिमेंट है इसको रखा हूं, और यहाँ पर ये सेकंड कॉलम में मैं ये जो सेक्शन है इसको रखा हूं। तो वैसे ही हम ये जो डिजाइन का स्ट्रक्चर है ये हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया। तो अभी हम इसके अंदर सारे डिजाइन क्रिएट कर लेंगे, और उसके बाद ये जो प्राइमरी जो सेक्शन है इस सेक्शन के ऊपर राइट माउस क्लिक करेंगे और यहाँ पर सेव एज टेम्पलेट क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको एक बॉक्स मिल जाएगा, आप यहाँ पर कुछ भी नाम डाल सकते हैं, ट्राई ओके, और यहाँ पर आप सेव कर देंगे। तो ये आपका जो डिजाइन का टेम्पलेट है वो आपका सेव हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं एक प्राइमरी सेक्शन लिया, इसके अंदर ऐसे मैं डिजाइन क्रिएट कर लिया, और ये हमारा पहला टेम्पलेट हो गया क्लास 1 to 3, ग्रेड 1 to 3 के लिए। मैं नीचे इसको डुप्लीकेट किया और इसका जो कंटेंट था वो चेंज कर लिया, और इस और ये जो ग्रेड 4 और 5 है इसके लिए मैं डिजाइन क्रिएट किया, सेम मैं डुप्लीकेट करके 6 और 8 के लिए, और फिर 9 और 10 के लिए, और फिर 11 और 12 के लिए, अलग अलग इतने सारे मैं जो सेक्शन है उसको मैं सेव करके रखा हूं। और अभी मैं यहाँ पर जाऊंगा और नीचे सेक्शन पर क्लिक करूंगा, तो देखिए यहाँ पर मैं जितने सारे सेक्शन वहां पर सेव करके रखा था वो सारे यहाँ पर अपीयर हो रहा है। तो यहाँ पर कोडिंग 1 to 3 मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ, तो क्या होगा, ये जो पहला वाला हमारा सेक्शन था ये टोटल सेक्शन ये यहाँ पर अपीयर हो जाएगा। देखिए ये यहाँ पर अपीयर हो गए हैं, ठीक है। तो इसको मैं ये जो विड्थ है इसको मैं कर लेता हूँ फुल विड्थ, तो ये हमारा ग्रेड 1 और 3 हो गया। इस डिजाइन के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर नेक्स्ट 4, 5, 6, 8, 9, 10 ऐसा ग्रेड है। तो हमें क्या करना है, हमें फिर से जाना है कंटेंट पर, और यहाँ पर सेकेंडरी जो है इसको हमें चेंज करना है ग्रेड 4 और 5। फिर से हमें यहाँ पर सेप सेक्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर 4, 5 का जो सेक्शन मैं क्रिएट करके रखा था उसको मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लूंगा, तो यहाँ पर ये जो सेकेंडरी है वो चेंज होकर यहाँ पर ग्रेड 4 to 5 हो जाएगा, और इसके लिए एक सेक्शन यहाँ पर अपीयर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 4, 5 के लिए ये जो सेक्शन था वो अपीयर होगा, अगर क्लिक करूंगा तो देखिए नीचे यहाँ पर 4, 5 का सेक्शन आ गया। अभी हम क्या करेंगे, ये जो सेक्शन है इसको मैं डुप्लीकेट कर लूंगा, इसका जो टाइटल है इसको मैं 6 to 8 कर लेता हूँ। सेक्शन जो है जो सेव करके रखा था 6 to 8 वो मैं यहाँ पर डाल दिया। अभी सेम चीज मैं रिपीट करूंगा, और इसीलिए मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो सारे टैब था वो अभी यहाँ पर अपीयर हो गया है, वो सेव सेक्शन जो था वो अपीयर हो गया है। अभी मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत मार्जिन ऐड कर लेता हूँ ताकि ये देखने में अच्छा लगे, तो मैं इस यहाँ पर 75 पिक्सल का मार्जिन ऐड कर दिया। अभी हम देखेंगे इसको कैसे हम कस्टमाइज कर सकते हैं, और ये जो डिजाइन है कुछ इस तरह का कलर और जो चेंजेस है वो हम कर सकते हैं। कॉन्टेंट के नीचे है डिस्प्ले सेटिंग, डिस्प्ले सेटिंग में हमारे पास 3 ऑप्शन है। पहला जो है वो है स्विच अलाइनमेंट, ये जो स्विच है इसको हम अलाइन कर सकते हैं, ये डिफॉल्ट सेंटर में है, अगर हम चाहे तो लेफ्ट और राइट में भी अलाइन कर सकते हैं, लेकिन डिजाइन के लिए मैं सेंटर में रखता हूँ।
और यहाँ पर है स्पेस का ऑप्शन, ये जो स्विच और ये जो कंटेंट के बीच में जो स्पेस है, हम चाहे तो इस हैंडल की मदद से इसका स्पेस हम यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इस डिजाइन के लिए डिफॉल्ट ही ठीक है। और यहाँ पर एनिमेशन स्पीड है, ये जो बटन में क्लिक करने के बाद जो एनिमेशन आपको यहाँ पर दिख रहा है, आप अगर सामने से देखेंगे तो देखिए यहाँ पर एक एनिमेशन दिख रहा है। अगर आप चाहते हैं कि एनिमेशन इतना विजिबल ना हो तो आप चाहे तो इसका जो ड्यूरेशन है ये 100 मिलीसेकंड कर सकते हैं, तो ये जो एनिमेशन है ये आपको इतना विजिबल नहीं दिखेगा। तो ये मैं 100 मिलीसेकंड कर दिया। अभी हम जाएंगे स्टाइल टैब पर। स्टाइल टैब में पहला जो ऑप्शन है वो है स्विच का टाइपोग्राफी का ऑप्शन, तो मैं यहाँ पर टाइपोग्राफी सिलेक्ट कर लेता हूँ रोबोटो, और इसका जो साइज है मैं इसको रखता हूँ 16, और इसका वेट जो है इसको मैं कर लेता हूँ 500। ओके, अब इसके नीचे कलर का ऑप्शन, इस टेक्स्ट का जो कलर है हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो हमारे जो डिजाइन है, इस डिजाइन में टेक्स्ट का कलर है ब्लैक, तो मैं यहाँ से इसको ब्लैक कर लेता हूँ। ओके, अभी इसके आइकॉन कलर, क्योंकि यहाँ पर आइकॉन नहीं है तो ये हमें काम में नहीं आएगा। यहाँ पर नीचे है बैकग्राउंड कलर, मतलब ये जो बटन का बैकग्राउंड है हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर इस कलर पिकर को यूज करूंगा, तो ये मैंने कलर जो है इसको मैं पिक कर लेता हूँ। ओके, अभी मैं यहाँ पर इसको पेस्ट करूंगा विथ हैश साइन। ओके, देखिए यहाँ पर ये जो कलर है ये इस टाइप का कलर हो गया, लेकिन यहाँ पर ये जो कलर मैं सिलेक्ट किया थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, ये एक्टिव कलर का है तो हमें ये जो कलर है ये चेंज करना पड़ेगा, और इसको हमें करना पड़ेगा एक्टिव कलर का बैकग्राउंड। तो मैं यहाँ पर इसको चेंज कर लेता हूँ, ये कर देता हूँ एक्टिव। तो देखिए ये एक्टिव कलर का हो गया, और इनएक्टिव जो टैब है इसमें कुछ भी कलर नहीं है, तो इनएक्टिव जो कलर है इसका कलर हमें वो ऑपासिटी डाउन करना है। तो मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर में फिर से आ गया, ये हमारा नॉर्मल है, और यहाँ पर बैकग्राउंड में गया और इसका ऑपासिटी जो है इसको मैं डाउन कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पर वो टैब जो अभी दिख रहा था, वो बटन जो सेप था वो अभी नहीं दिख रहा है, और अभी हमें इसका जो बैकग्राउंड कलर है इस बैकग्राउंड कलर को हमें चेंज करना है। तो इसके लिए हम नीचे जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकेंगे ये जो बॉक्स कलर है, इस बॉक्स कलर को हमें चेंज करना है। तो इसके लिए हम फिर से एक बार कलर पिकर को यूज़ करेंगे, इस बैकग्राउंड कलर का कलर हम यहाँ पर पिक कर लेंगे। ये एक क्रोम का एक्सटेंशन है कलर पिकर, आप चाहे तो इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं हैश साइन दिया और ये कर दिया, तो देखिए ये जो कलर था यहाँ पर ये सेम टू सेम यहाँ पर आ गया। अभी क्या करना है, इस बटन में एक बॉर्डर है, आप अगर पास से देखेंगे तो देखिए एक, तो अब देखिए यहाँ पर एक व्हाइट बॉर्डर है, जो एक्टिव बटन है व्हाइट बॉर्डर हमको दिखता है, तो हम भी यहाँ पर बॉर्डर ऐड करेंगे। तो ये आप देखिए यहाँ पर ये जो टैब का ऑप्शन है इसके नीचे बॉर्डर टाइप का ऑप्शन है, तो मैं यहाँ पर ये सॉलिड चूज कर लूंगा, और इसका जो विड्थ है मैं इसको रखता हूँ 2 पिक्सल। तो देखिए यहाँ पर डिफॉल्ट एक व्हाइट जो है वो यहाँ पर आ गया, व्हाइट बॉर्डर सारे जो टैब है उसमें आपको दिख रहा होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि ये सिर्फ एक्टिव जो है उसमें रहे, ना कि ये सारे टैब में रहे। तो यहाँ पर ये नीचे जो कलर का ऑप्शन है जो इनएक्टिव टैब के लिए है, जो नॉर्मल टैब के लिए है, उसको फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जो ऑपोसिटी है इसको डाउन कर देना पड़ेगा। तो ये जो बॉर्डर था ये चला जाएगा, और एक्टिव में जाएंगे हम, और बॉर्डर कलर में हम चूज कर लेंगे व्हाइट कलर को। तो देखिए अभी ये जो डिजाइन आपको दिखेगा, तो अभी ये एक्टिव टैब में ही हमें ये जो बॉर्डर है वो बॉर्डर भी यहाँ पर शो करेगा। तो ऐसे हम ये जो डिजाइन है इस डिजाइन को हम रेप्लीकेट कर चुके हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसके नीचे और क्या ऑप्शन है। इसके नीचे जो है वो है बॉक्स स्टाइल, ये जो बॉक्स है इसका स्टाइल भी हमने देख लिया। यहाँ पर बॉक्स पैडिंग है, आप चाहे तो इस बॉक्स पैडिंग को यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो, अगर आपको ज्यादा पैडिंग लगेगा तो आप यहाँ पर ज्यादा पैडिंग दे सकते हो, ये ओवरऑल जो बॉक्स का पैडिंग है वो यहाँ पर बढ़ जाएगा। यहाँ से अगर 50 कर देता हूँ, देखिए कितना बड़ा हो गया ये जो बॉक्स का पैडिंग है, तो मैं इसको रखता हूँ डिफॉल्ट। ओके, अभी इसके नीचे है बॉक्स का बॉर्डर टाइप, अगर बॉक्स में आप बॉर्डर डालना चाहते हो तो आप बॉक्स में बॉर्डर भी डाल सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ। ये इस डिजाइन के लिए ये जो बॉर्डर है ये हमें जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन आप चाहे तो इस बॉर्डर में बॉक्स में बॉर्डर भी डाल सकते हो। इसके नीचे बॉर्डर रेडियस, अगर आप चाहते हो ये जो राउंड शेप है ये राउंड शेप ना रहे, रेक्टेंगुलर हो जाए, तो इसको रेडियस जो है इसको घटा दीजिए, 0 कर दीजिए, तो ये जो ऊपर का आपका जो बॉक्स का शेप है वो चेंज हो जाएगा। मैं इसको डिफॉल्ट रखता हूँ क्योंकि हमारा जो डिजाइन था वो राउंड शेप में था। अब इसके नीचे स्विच बार जो है, मतलब ये जो बॉक्स है इसके नीचे जो पीछे जो बार है, आप चाहे तो उसमें भी कलर या फिर उसमें भी पैडिंग ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर पैडिंग का ऑप्शन है, अगर मैं यहाँ पर 50 पैडिंग कर देता हूँ तो ये जो बॉक्स है इसके पीछे का जो स्पेस है वो बढ़ गया है, और हम यहाँ पर कलर भी ऐड कर सकते हैं अगर हमारे डिजाइन में
ये डिमांडिंग रहता है कि हम इसको कलर चाहिए, तो हम इसमें कलर भी ऐड कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन इस डिज़ाइन के लिए तो फिलहाल ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर बॉर्डर रेडियस भी हम मेंशन कर सकते हैं, हम चाहे तो इसको भी हम राउंड शेप दे सकते हैं, कार्व शेप दे सकते हैं ऐसे, ठीक है। लेकिन ये भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगा और इसका कलर भी हमें नहीं चाहिए, तो ये हो गया। और इसके नीचे है कंटेंट को कस्टमाइज करने के लिए कुछ ऑप्शन, तो कंटेंट में जो पैडिंग है, एडिशनल पैडिंग ऐड कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर 50 पैडिंग दे दूंगा तो देखिए कंटेंट के ओवरऑल कंटेंट के सराउंडिंग ये स्पेस क्रिएट हो गया है। कंटेंट का टाइपोग्राफी, बैकग्राउंड टाइप, अलाइनमेंट, बॉर्डर टाइप और बॉर्डर रेडियस और बॉक्स शेडो, इतने सारे ऑप्शन हैं। क्योंकि हमने इस डिजाइन के लिए प्री मेड टेम्पलेट यूज किए हैं, तो इसीलिए ये जो कॉन्टेंट का ऑप्शन है ये हमें यहाँ पर नहीं चाहिए। और एडवांस टैब में दोस्तों वो सारे ऑप्शन मौजूद है जो एलिमेंटर के हर एक एलिमेंट में रहता है, और इसके ऊपर मैं एक डिटेल सीरीज बना के रखा हूं। अगर आपने वो सीरीज नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप जाके वो सीरीज चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे हमने यहाँ पर कंटेंट स्विच का जो डिजाइन था वो हमने अचीव कर लिए हैं। अभी मैं आपको ये जो प्लगइन है, इस प्लगइन का जो सेकंड स्क्रीन है वो मैं जल्दी से दिखा देता हूँ। मुझे विश्वास है कि आपको ये जो प्लगइन का कॉन्सेप्ट है, ये कंटेंट स्विचर का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन मैं एग्जाम्पल के लिए मैं फिर से आपको और जो स्क्रीन टाइप है वो एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं कंटेंट जो स्क्रीन टाइप है इसको मैं कर लेता हूँ सेकंड। ओके, तो देखिए यहाँ पर ये प्राइमरी और सेकेंडरी, ये दो ऑप्शन है, ये जो स्विच हम यहाँ पर कर सकते हैं। और इसमें भी हम यहाँ पर कंटेंट जो है इसमें लिख सकते हैं, या फिर जो सेव हमारा सेक्शन है वो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा सेव सेक्शन पर, और यहाँ पर मैं मंथली प्राइस जो है इसको सेव कर लूंगा। तो ये जो सेक्शन है ये मैं पहले से ही एलिमेंटर में बना के रखा हूँ, ये बहुत इजी है। और इसमें एलिमेंटर का जो रेडीमेड टेम्पलेट है उसमें भी ये आ जाता है। इसका मैं नाम देता हूँ एनुअल, और फिर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको लेता हूँ और इसको करता हूँ लाइफ टाइम। और इसमें भी ये जो सेव सेक्शन है मैं इसको लाइफ टाइम प्राइस कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये एनुअल और लाइफ टाइम ये कॉन्टेंट स्विच हम यहाँ पर कर सकते हैं। अगर मैं एनुअल में जाऊं तो ये एक प्राइस हमको टाइप दिखाएगा, अगर मैं लाइफ टाइम में जाऊंगा तो प्राइस जो है ये चेंज हो जाएगा। दोस्तों ऐसे डिजाइन आपको होस्टिंग खरीदने के समय, थीम या फिर प्लगइन खरीदने के समय आपने देखा ही होगा। तो देखिए यहाँ पर स्विच को कस्टमाइज करने के लिए कुछ ऑप्शन है, कलर, आइकॉन कलर, स्पेस, स्पेसिंग, स्विच बार को कस्टमाइज करने के लिए ऑप्शन है, स्विजर कंट्रोल को कस्टमाइज करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है, आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कीजिए। अभी हम देख लेते हैं स्क्रीन थ्री में क्या है। स्क्रीन टू में ये जो स्विच है ये इस बॉक्स के अंदर है, और स्क्रीन थ्री में ये जो स्विच है ये बॉक्स के बाहर आ जाएगा, आप देखेंगे अभी। ये देखिए ये जो ग्रीन कलर का जो स्विच था ये अभी इस बॉक्स के बाहर है। तो ये है स्क्रीन थ्री, तो इसमें भी आपको कंटेंट डालने के लिए जगह है, और यहाँ पर भी आप डिस्प्ले सेटिंग कर सकते हैं, और स्टाइल में भी बहुत सारे ऑप्शन है इसको कस्टमाइज करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो इसको लाइक कीजिए, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एलिमेंटर के ऊपर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपके मन में इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी सवाल है तो कॉमेंट्स में जाके मुझसे पूछिए, मैं उसका जरूर उत्तर दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।